दोस्तों आपने वीडियो में कई बार देखा होगा कि कई बहुरूपी साधु चुप्पे चुप्पे नशा करते रहते हैं, जब वो पकड़े आते हैं तो अपनी सफाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कि हरिद्वार का है। हरिद्वार में एक बहुरूपिया साधु पब्लिक प्लेस में आ गया और पब्लिक प्लेस में पौआ लेके आ गया, वो भी किस तरह से नशे में धुत है और लोगों को पौआ दिखा रहा है। लेकिन जो उसने बेस बनाया हुआ है, जो अपने जो मतलब पहनावा जो पहना हुआ है, ये साधु संत का पहनावा है। एक जो साधु होता है उसका पहनावा पहना हुआ है। दोस्तों ये वही लोग हैं जो कि सनातन धर्म को बदनाम करने के मतलब एक भी कसर नहीं छोड़ते हैं। पूर्ण रूप से पब्लिक प्लेस में पहुंच गया और सबके सामने किस तरह से पौआ चमका रहे हैं। दोस्तों आप खुद वीडियो में देखिए कि पौआ दिखाया जा रहा है लोगों को। अब वहाँ की जो पब्लिक है वो थोड़ा आक्रोशित होती है और उस पखंडी साधु को किस तरह से पीटती है। दोस्तों आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि थप्पड़ों की बरसात हो जाती है। ऐसे पियक्कड़ मतलब उनको बहुरूपिया साधु कह सकते हैं। साधु शब्द जोड़ना गलत हो जाएगा क्योंकि ये सबके लिए मतलब लागू हो जाता है, तो मैं सबके लिए भी बोल रहा हूँ, सिर्फ इस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ जो बहुरूपिया साधु है। ये बहुरूपिया साधु है जो कि साधु का वेश धारण कर कर सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए किस तरह से मतलब यानी कि पब्लिक प्लेस में नशा करके, वो भी हरिद्वार जैसे पवित्र भूमि जो देवों की देव भूमि कहा जाता है हरिद्वार, वहाँ पर इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। तो पब्लिक ने भी वहाँ पर समझा और फिर अपने तरीके से समझाया। आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि किस तरह से उस बहुरूपी साधु की पिटाई सबके सामने हो गई। माफ़ी मांगता रहा उसने, लेकिन लोगों ने माफ़ भी कर दिया, पीटने के बाद माफ़ किया और फिर उसे प्रशासन को सौंप दिया। तो दोस्तों ऐसे साधु जो बहुरूपी साधु हैं वो हमारे सनातन धर्म को पूर्ण रूप से बदनाम कर रहे हैं और उसके चक्कर में अच्छे साधु जो कि सनातन धर्म को जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोग उनको भी उसी नज़र की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा विवेक से काम लीजिए। अगर आपके यहाँ कोई साधु संत आते हैं, महात्मा आते हैं, तो उनकी आप परीक्षा ले सकते हैं, उनके ज्ञान की परीक्षा ले सकते हैं। उनसे आप कोई श्लोक पूछ लीजिए या कोई धर्म की बातें पूछ लीजिए, आपको पानी का पानी दूध का दूध जाएगा। अगर वो ज्ञानवान साधु होगा, उसको ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो वो आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। अगर वो मतलब साधु नहीं होगा और बहुरूपिया होगा तो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा और चुपचाप वहाँ से खिसक लेगा। चल भाग जाए यहाँ से, भागना नहीं है यार। चौकी ले गया, चौकी से।